सो ही गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ हमेशा की तरह। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं आइसक्रीम 5 बर्फीला चीक 5। तो इसे ट्रांसलेट करने पे बहुत बुरा बन गया, तो हम लोग इसे खेलते हैं इजी मोड में, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या है। और इस गेम प्ले को मैंने रिकॉर्ड किया था स्कूल में बैठ के, मतलब समझ लो वहाँ पर शोर शराबा इतना होगा, तो मैं अगर कमेंट्री करने लग जाऊँ तो लोग मुझे पागल सोचेंगे। तुमसे ना हो पाएगा और इसलिए मैं इस घर में कमेंट्री कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने इसे इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने इसे बाद में कमेंट्री किया था, तभी मुझे पता है कहाँ पर क्या है। तो मैं यहाँ पर ढूंढने लगा एक मेटल बार को, जो कि यहाँ पर मिलता है ऑब्वियसली। मैंने इसे एक बार खेला था घोस्ट मोड में, तब मुझे मिल गया था, पर इस बार मुझे नहीं मिलता। तो इस साइड को, मतलब इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं। देखो, आपको पता होगा इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में स्कूल रीओपन हो चुके हैं, मतलब स्टाफ है एक्चुअली में। अगर कोरोना का थर्ड वेव जल्दी से आ जाए तो स्कूल बंद हो जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई ये एक्चुअली बहुत बुरी बात है, पर स्टिल, मतलब देखो, 7 बजे से ट्यूशन जाना, देन 10 बजे स्कूल जाना, फिर 4:30 बजे फिर ट्यूशन जाना, देन घर में आके काम करना, टेस्ट का तैयारी करना, क्योंकि कुछ महान टीचर्स को हमेशा टेस्ट लेना होता है। इस मतलब दबाव के बीच में मतलब कुछ और काम होता भी नहीं, मतलब स्कूल एक टोटल टाइम वेस्ट है, समझ जाओ। यहाँ पर मुझे एक बैटरी मिल चुका था, मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए मेरा वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इस टॉपिक को आप बाद में बात करेंगे कभी, मतलब अलग वीडियो में, अगर आपको सुनना है क्या है मेरा रूटीन। ये एक्चुअली Q&A का क्वेश्चन है, पर स्टिल, तो मैं इस बैटरी को लेकर ऊपर चलाया। आप गेम पे फोकस करते हैं, फोकस करने का कुछ है नहीं क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी खेल रखा है, मैं बस बकबक किए जा रहा हूँ, मुझे बकबक करना पड़ेगा। तो ये सामने एक छोटा सा आइसक्रीम रोबोट था, जो कि दिखने में क्यूट है पर काम का बहुत डेंजरस है, फटता है एक्चुअली में। और ये इजी मोड है, ज़्यादा दिक्कत की कोई बात है नहीं, क्योंकि यार इस गेम में एक्सट्रीम मोड नहीं है। तो मुझे एक मेटल बार ढूंढना था, जो कि मुझे पहले करना चाहिए था, पर मुझे ये मिल जाता है। देखो, ये पहले नहीं था, तो मैंने इस मेटल बार को उठा लिया, जिसे उठाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैच करना पड़ता है, जो कि एकदम बहुत ही मुश्किल है। तो इसी लेके मैंने सोचा कि ऊपर चल के उस जनरेटर को ऑन करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने इस गेम प्ले को देख लिया होगा, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम लोगों ने आइसक्रीम 5 को देख लिया होगा, खेल भी लिया होगा, पर देखने के लिए थैंक यू, बस इतना ही कहना है मुझे। मैंने इसे मेटल बार को यहाँ पर लगा दिया, लगाने के बाद मुझे उस बैटरी, जो कि मुझे पहले मिला था, उसे चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने इस बैटरी को यहाँ से उठाया, उठाने के बाद मैंने सोचा कि इस केबिन में चेक करते हैं, मतलब क्लोसेट में। और यहाँ पर एक रेड लीवर था, जो कि बाद में काम आएगा, और मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि थोड़ा सा धीरे बात करो। हाँ, मैं धीरे बात कर सकता हूँ, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक सेकेंड, ये 15 मिनट का वीडियो है, अगर मैं जल्दी बात करता हूँ तो ये 10 मिनट का नहीं बन जाएगा, 15 मिनट का ही रहेगा, आदत से मजबूर हूँ मैं एक्चुअली। तो ये पर मैं सामने चला आया बहुत घूमने के बाद, मुझे लगा कुछ मिसिंग है, बताया, क्योंकि काम नहीं कर रहा ये। तो मैंने इस रेड लीवर को उठाने की कोशिश किया, पर ये उठता ही नहीं, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच मैंने कहा था। तो यह पर सामने चला आया, मैं इस सामने यह पर एक मशीन को ऑन करना था, पर मैंने ऑन किया नहीं, इसलिए मेरा बैटरी चार्ज नहीं हुआ। तो मैं फिर से पूरा घूम के आ गया, इस सीन को मैंने कट कर दिया क्योंकि दिखाने का कोई फ़ायदा बनता नहीं। तो मैंने इस लीवर को ऑन कर दिया, अब शायद उस मतलब मशीन का बैटरी चार्ज होगा। और इस रेड लीवर को लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बाद में काम आएगा। तो मैंने इस दरवाजे को खोला, इसके अंदर देख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक दरवाज़ा लॉक था, जो कि हमें बाद में काम मतलब खोलना पड़ेगा एक बहुत ही ओपी वेपन के थ्रू। देखो, तो मैंने इस मतलब जो है इन लॉकर्स में देखा कुछ है या नहीं, क्योंकि इस लॉकर में तुम्हें एक ऊट मिल सकता है, पर ऊट अभी तक मुझे नहीं मिला। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी शायद कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है। और मुझे एक माइक्रोवेन भी ज़रूरत है, मतलब माइक्रोवेन के अंदर कुछ नहीं है, माइक्रोवेन मतलब मुझे पूरा चाहिए। यहाँ पर मुझे वुडन पीस मिल चुका था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं एक चीज़ को बना सकता हूँ, जो कि मैंने ब्लूप्रिंट बना के रखा था। अब मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो सामने एक छोटा सा आइसक्रीम का बॉट है, तो मैं इसके सामने से निकल गया। अगर तुम बहुत जल्दी भाग जाते हो, ईजी मोड है, हार्ड मोड में मुझे नहीं पता क्या होता है, शायद हार्ड मोड में ये लोग भी जल्दी भाग सकते हैं। तो मैं इस साइड में आया, इस साइड में मैंने उस वुडन मतलब जो है उसको भी प्लेस कर दिया। अब ये रोबोट जो है बंद हो चुका था, क्योंकि उसका बैटरी ख़त्म हो चुका था, अब थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगा। तो मैंने इस माइक्रोवेन को उठाया, अब मुझे इसे ऊपर से पटकना पड़ेगा। ये कभी घर पर ट्राई मत करना, तुम्हें ये घर से उठा के पटक देंगे तुम्हारे पेरेंट्स। और ये देखो, यहाँ पर जो है उस आइसक्रीम का मेन कैरेक्टर मतलब मेन विलन रॉड आ चुका था, और मैंने इसे ऊपर उठा फेंक दिया, और ये उठ मतलब टूटा ही नहीं। पर मुझे एक ऐसा चाहिए, ये मैंने कहा नहीं कि मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं मतलब घर छोड़ के नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने इस माइक्रोवेन को उठा लिया, जो कि मेरे सामने था, पर मुझे दिखा नहीं। मैंने सोचा कहाँ से फेंका मैंने, यहाँ पर था। और ये देखो, यहाँ पर तो रॉड आ चुका था स्लो, मतलब रॉड एकदम धीरे धीरे चल रहा था। रॉड क्या इसका नाम था, रॉड सविलियन या कुछ नाम था, मुझे नहीं पता। मैंने बस रॉड सलिवन थोड़ा सा देखा, मैंने इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, इतना मुझे पता है, इतना ही इनफ है। तो मैंने इसे बहुत ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से फेंकने के बाद इसके अंदर से मुझे कुछ मिलता है, जो कि उस रेडिएटर होता है, मतलब क्या होता है ना, माइक्रोवेव के अंदर एक वेव से कुक होता है, मतलब माइक्रोवेव ओवन, एक
वेव से कुक होता है, उस वेव फैलाने वाले मशीन को मैंने ले लिया था इसके अंदर से, पर ऐसा कभी मिलता नहीं है ऑब्वियसली, ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाएगा, मतलब टूट के बिखर जाएगा। अगर तुम उसे अगर रेफ्रिजरेटर के ऊपर से भी फेंकते हो तो टूट के बिखर जाएगा। बस अभी हमें जब वो जो है इस मशीन को यहाँ पर लगाना था, तो मैंने सोचा इस लीवर को ऑन कर देते हैं, पर लीवर को ऑन करने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद शायद मुझे एक और चीज़ चाहिए था, और बस अभी एक और चीज़ चाहिए, उस बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जल्दी से इस बैटरी को चार्ज करते हैं लीवर को, क्योंकि रॉड मेरे पीछे है। तो मैंने इसे चार्जिंग पे बैठा दिया, जल्दी से चार्ज हो गया, जल्दी हो जाए भाई, हो गया। और यहाँ पर देखो मैंने इस बैटरी को ले लिया, पर वो रॉड अभी भी वहाँ पर आ रहा है, पता नहीं क्या है इसकी दिक्कत। और मैंने इस बैटरी को इस साइड से ले लिया, रॉड मेरे बहुत पास आ चुका था, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका नाम शायद पूरा नाम है रॉड सिविलियन समथिंग लाइक दैट, रॉड सिविलियन। छोड़ो, इसका नाम जान के कोई फायदा होगा नहीं, ये हमारा मेन विलेन है, बस इतना जान लो। तो ये जो मैंने चीज़ बनाया, इसे देख आइंस्टाइन भी मर जाता है एक्चुअली में। तो मैंने इसे इस रोड के ऊपर मतलब ट्रैक किया, पर कुछ हुआ नहीं। मेरे पास दो चांस थे, मतलब मैं इसे दो बार यूज़ कर सकता था, मैंने एक बार वेस्ट कर लिया। अब मैं श्योर हूँ कि उस रोड के ऊपर यूज़ करने का कोई फायदा होगा नहीं, मतलब उस आइसक्रीम के विलेन के ऊपर यूज़ करने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि रोबोट भी नहीं हुआ तो इंसान कैसे मरेगा। तो मैं ट्राई करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास एक ही चांस था। बस अब मैं क्या कहूँ, अब मुझे बस घूम के जाना पड़ेगा उस साइड में, मतलब उस दरवाजे के थ्रू, उस मतलब एक लॉक्ड डोर था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको याद होगा, उस लॉक्ड डोर को हमें खोलना था यहाँ से निकल के। यहाँ से मैं निकल गया पूरा घूमने के बाद, यहाँ पर मैंने इसको फायर किया, फायर करने के बाद ये दरवाज़ा खुल चुका था, रॉड अभी भी मेरे पीछे था। यहाँ पर मुझे एक आइस क्यूब मिल चुका था, इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक लीवर मतलब एक नॉब दिखेगा ग्रीन कलर का, इसे मुझे पिघलाना था, मुझे पता है, मैंने एक बार ऑलरेडी खेल चुका हूँ मैं इसलिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कहाँ पर क्या करना है, वरना ये वीडियो 30 मिनट का बन जाता, समझना पड़ेगा कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देन ये सब करते करते। तो यहाँ पर सामने स्ट्रीम निकल रहा था, तो मुझे यहाँ पर इसे फेंकना था। अब देखो इस बर्फ के पसीने छूटने लग गए, तो मैंने इस जो है रूम में आ गया। इस रूम में हम लोग एक और कैरेक्टर के साथ खेल सकते हैं, जो कि एक अलग कैरेक्टर था, तो मैंने इस फोन को किया। अब हम लोग उस कैरेक्टर के पास शिफ्ट होने वाले हैं, जो कि उस मतलब आइसक्रीम फोर के एंडिंग में शायद यहाँ पर खत्म हुआ। That's quite big. पता तो ये देखो एक बैड एस वेपन था, पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं इसे, कितना ओपी वेपन है। देखो बस इससे लाइटनिंग निकल रहा है, ये बच्चे शायद नेक्स्ट आइंस्टाइन के भी बाप निकलते, अगर ये बच्चे अगर थोड़ा सा और पढ़ाई करते तो। तो हम लोग इस फैक्ट्री में आ चुके थे, यहाँ पर एक और रॉड है जो विलेन है, पता नहीं सब लोग एक जैसे कॉस्ट्यूम पहन के क्यों रहते हैं, या एक ही बंदा है जो कि हमेशा कॉस्ट्यूम अलग अलग जगह में जाता है, मतलब अलग अलग जगह में रहता है। तो मुझे एक आइसक्रीम का बोल चाहिए था, मतलब पॉट चाहिए था, जो कि अगर मुझे मिल जाता है। ये पर सामने एक रोबोट था, मैंने सोचा इस रोबोट का काम तमाम कर देते हैं, मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, इसका सिस्टम शॉर्ट हो गया आई थिंक, और ये 60 सेकंड के लिए बंद हो गया। मुझे लगा था कि हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, पर ये इंसानों की तरह 60 सेकंड के लिए मर गया। तो मैंने इस बोल को लिया, बोल को लेने के बाद मैंने इसे सामने फेंक दिया, क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद वहाँ पर जाना था। तो यहाँ पर एक रोबोट घूम रहा था, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया सामने, और यहाँ पर मैंने नीचे उतर गया। नीचे शायद रॉड काम करता है, इन कमीनों का मैसेज देना कभी बंद नहीं करेंगे, मैं जब इंपॉर्टेंट टाइम में काम करूँगा तब भी ये लोग मैसेज देते रहेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। ये स्टेमिना कहाँ से आता है मेरे अंदर इतना बात करने का, मुझे नहीं पता। तो मुझे यहाँ पर एक ब्रोकन हैंडल मिल चुका था, मतलब दरवाजे का हैंडल, जो कि मैं बाद में यूज़ कर सकता था। अभी ये जो म्यूज़िक है, मतलब इतना अजीब सा म्यूज़िक, मतलब बहुत सारा म्यूज़िक है इस गेम में, तो मैं समझ नहीं पाया कहाँ पर है। तो मैंने सेफली दरवाजे को खोला, खुलने के बाद मैं सामने चला गया इस पाइप के अंदर चला गया एक मोटा बंदर, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर स्टिल कितना वेट है देखो हमारे मेन कैरेक्टर का। तो इस बच्चे को हमेशा किडनैप किया जाता था, पर इस बच्चे का भी कुछ अलग ही एडवेंचर था, जो कि हम लोगों इस गेम में देख रहे हैं। तो मैं उतरा उस रोबोट के सामने उतरा, जो वो फूट भी गया। फूटने के बाद ये मतलब मेरा पाइप मेरे हाथ से, मतलब मेरा जो डोर हैंडल था मेरे हाथ से गिर गया, मैंने इसे लगा दिया। लगाने के बाद मैं इस डोर को खोल सकता था, मैंने इस डोर को खोल दिया। अब मुझे वापस से ऊपर जाना था, ऊपर जाके उस कैन को फिल करना था। देखो बस मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो क्या होगा। तो इस मतलब पाइप को चढ़ के मुझे ऊपर जाना था, जो कि इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। पाइप को तुम कैसे चढ़ोगे, तुम्हें मतलब कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा है सब कुछ। मैं यहाँ पर निकल चुका था, निकलने के बाद मुझे सामने से जो है इस कैन को लेना था, ये जो पॉट है, जो भी है आइसक्रीम बाउल या जो भी है। तो मुझे लेने के बाद इस यहाँ पर चढ़ना था। चढ़ने के बाद देखो बस ये थोड़ा सा मुश्किल था समझने के लिए। सो गाइस, मैंने जो है इस सीन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ताकि आपको मतलब बोर ना हो। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इस वीडियो को 15 मिनट का बनाना था। अब फालतू के मतलब झूठ बोल के कोई फायदा होगा नहीं, मुझे इस वीडियो को 15 मिनट का बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो देखो, इन ग्लासेस को तुम्हें फोड़ना पड़ेगा एक लाइन में, ताकि तुम मतलब एकदम जो है उस कोने में जा सको जहाँ पर एक एसी वेंट है। तो यहाँ पर जस्ट तुम्हें ऊपर से ऊपर फेंकना पड़ेगा। ये जो फेंका मैंने यहाँ पर, अभी ये गलत था एक्चुअली में, तो मुझे यहाँ पर ऊपर फेंकना पड़ा एक और बार, ताकि ये जो है एक लाइन को फॉलो करे। तो मैंने इस नीचे वाले कांच को फोड़ दिया, क्योंकि ऊपर जो है ब्लॉक
ऑफिस था, तो इन तीनों ब्रांचों को मुझे फ़ोन ना पता था कि एक एक करके ये नीचे आए, ये डायरेक्टली जंप करके नहीं जाएगा। तो मैंने इस लाइन को कम्प्लीटली कर दिया। अभी से देखो इसे अगर मैं स्लो मोशन में या नॉर्मल स्पीड में दिखाता तो इसका कोई मज़ा नहीं बनता, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया। तो अभी तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, अभी मुझे बस एक कटसिन का वेट करना था। और ये सारे कचरे का बैग्स को मैंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं था। अब उस जो रोबोट है वो अगर लास्ट ग्लास को रिपेयर करता है देन एक कटसिन आएगा जो कि जिसके बाद हम लोग एक चीज़ मिलेगा। देखो तो ये लास्ट ग्लास को रिपेयर कर देता है, रिपेयर करने के बाद इसी के फैन के हवा की वजह से ये अंदर चला जाता है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना था। और ये अंदर चला जाने के बाद इसका जो बॉडी का रिमेनिंग है ये नीचे गिर जाता है जो कि मुझे लेना था। लेने के बाद थोड़ा काम था इसके साथ और मैं जो है इस साइड में पहुंच जाता हूँ थोड़ी देर के बाद। और इस दिन को मुझे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए था, अब करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो मैं इस साइड में धीरे धीरे आ गया। एक्चुअली ये नॉर्मल स्पीड है, अगर मैं इसमें दिखाता तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा बकबक करना पड़ता जो कि मैं करने को राजी था, पर बहुत टाइम लग जाता, टाइम इज मनी तो पता है आपको। तो मैं इस साइड में आ गया पर इस साइड में मुझे नहीं आना था क्योंकि यहाँ पर एक रोबोट काम कर रहा है तो हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ पर लीक जो है ये पता नहीं क्या है, इसे हमें भरना पड़ेगा, भरने के बाद हम लोगों को वापस आना पड़ेगा उस जगह में। तो मैंने इस सीन को थोड़ा सा मतलब ये जो स्किप का बटन है मैंने स्किप के बटन को दबा दिया क्योंकि मुझे मतलब अब पूरा जाना नहीं था, तो मैंने इस सीन को स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मैं जो है यहाँ पर आ गया मतलब जहाँ से मैं आया था। ये जो एक सॉर्टिंग सिस्टम है पता है, ये जो मतलब मशीन है ये कचरे को एक साइड से एक साइड ले जाते हैं जहाँ पर ये कचरे को जलाया जाता है, तो अगर आपको पता होगा। तो मैंने जो है ऑयल मतलब जो है मैंने जो इस भरा इस आइसक्रीम पॉट को इसे लेके मैं इस साइड में आ गया। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था जो कि मैं भूल जाता हूँ, देखो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ गया, आने के बाद मुझे यहाँ पर जो है इसे भरना था, भरने के बाद एक लीवर को ऑन करना था, इसे ऑन करना था पर मैंने ऑन किया नहीं जो कि मैं बाद में पछताने वाला हूँ। मुझे पूरा घूम के यहाँ पर आना पड़ा एक्चुअली में। तो मैंने इस सामने से इसे लेने की कोशिश की पर ये मुझे मतलब लेने देता नहीं। मैंने सोचा इसे थोड़ा सा घुमाते हैं पर इसका स्पीड थोड़ा सा अच्छा था एक्चुअली, पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं क्या होना है होने दो, पर ये टूट जाता है मतलब फूट जाता है। फूटने के बाद मैं इस फिर मतलब थोड़ी देर के बाद मैं ज़िंदा हो जाता हूँ दबाने के बाद स्क्रीन को, मतलब मुझे मरना ही था। और इसके बाद मैंने जो है इस ग्लास के अंदर इस जो है इस चीज़ को रख दिया। रखने के बाद ये जो है उस फैक्ट्री में चला जाएगा जहाँ पर हमारा एक दोस्त है जिससे उसे मदद मिलेगा, पता नहीं क्या मदद मिलेगा, एक दरवाज़ा खोलने की मदद मिलेगा आई थिंक। इस मतलब गेम का मेन रूल है तुम्हें एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा तीन लीवर के थ्रू, मतलब रेड ग्रीन और येलो बल्ब के मतलब जरिए। अभी हम लोग जो है उस साइड में आ चुके थे, अभी हमें कुछ काम था नहीं, हमें बस निकलना था, निकल के हमें बस उस लॉकर रूम में जाना था जो कि हम लोग पहले जा चुके थे। तो यहाँ पर एक घूम रहा था पर ये फटता, फटने के बाद शायद रॉड आ जाता है यहाँ पर, तो मैं इसके साइड से निकल गया। इसे समझ में नहीं आया मैं इतनी जल्दी निकल गया, एक्चुअली ऐसा बात नहीं है, ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। अब मुझे अपने सेफ रूम में वापस जाना पड़ेगा और जाने के बाद इसे लॉक करना पड़ेगा। अब मैं उस सेकेंड कैरेक्टर की तरफ खेल सकता हूँ जो उस कैरेक्टर के साथ हम लोग खेल सकते हैं। तो मैंने इससे कॉल किया, कॉल करने के बाद हम लोग स्किप कर देते हैं इस सीन को क्योंकि दिखाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर आ चुका था वापस से और इस दरवाज़े को मैंने खोला, खोलने के बाद मुझे पता नहीं था यह बस सामने स्ट्रीम है, तो मैं यहाँ पर चला गया पर मैंने इसे ले नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे वापस से जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वापस आ गया इस लीवर को ऑन करने के लिए और मैं फिर से फूट गया। तो किस्मत ऐसा किसी के पास ना हो, मैं यहाँ पर तीन बार आया, तीन बार ही मैं फूट गया इसके थ्रू मतलब इसके जरिए। तो मैंने इस लीवर को ऑन नहीं किया था पिछली बार जो कि मुझे महंगा पड़ गया, पूरा इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं वापस से आ गया, इस बार जो है उस भेंट्स जो है भेंट्स से जो स्ट्रीम निकलना बंद हो चुका था, अब मुझे ग्रीन लीवर मिल चुका था। ग्रीन लीवर मिलने के बाद मुझे जो है इसे लगाना था, तीन लीवर जहाँ पर थे मतलब मैं जहाँ से आया था गेम के स्टार्टिंग में मुझे ये पर मिल जाता एक, तो इसे लेने के बाद मैं रेड लीवर को लेने ऊपर चला गया। ऊपर चले जाने के बाद मुझे इसे वापस से लगाना था तो मैंने इसे नीचे आके लगा देता हूँ। लगाने के बाद मुझे उस लास्ट लीवर को ढूंढना था जो कि मुझे नहीं मिलता, इसके मतलब जगह में मुझे एक मेटल का कॉपर का तार मिल जाता है, इसे मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। इसे लेने के बाद मुझे इस रॉड के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि ये रॉड एक मैग्नेट बन जाए। इस रॉड को रॉड के ऊपर मैंने लगा दिया, लगाने के बाद मैंने इस बटन को दबाया जिससे यह पर जो है ब्लू जो था वो यह पर आके चिपक चुका है। देखो यह पर चिपक चुका है वो जो ब्लू मतलब बल्ब था, तो यह पर इस मैग्नेटिक पावर के जरिए ये चिपक चुका है और ये मशीन टूट जाता है। मशीन टूटने के बाद मुझे मिल जाता है, मिलने के बाद मुझे इसे वापस से लगाना था तो मैंने इसे इस जगह पे लगा दिया। लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना था जब तक ये स्टीम फ्लो बंद ना हो जाए, तो ये स्टीम फ्लो बंद हो गया। इस साइड का जो है स्टीम फ्लो बंद करना पड़ेगा, एक दो तीन तीन बार में बंद हो गया और इस साइड में शायद एक बार में बंद हो गया। तो ओके, तो मैंने इसे दबा दिया, दबाने के बाद ये जो है बॉल अंदर गया। अंदर जाने के बाद इस बॉल ने जो है अंदर जाके इस गेट को खोल दिया, मतलब मुझे ये करना था सारे गेम में, मतलब इतना रिस्क गेट को खोलने के लिए। तो मैंने गेट को खोल दिया, गेट को खोलने के बाद मैं निकल गया इस फैसिलिटी के अंदर से। ये था आइसक्रीम 5 का गेम प्ले। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं इतनी जल्दी बात करके इस गेम को खत्म कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
I've seen something suspicious. Near here, there's a lot of food waste. Maybe there's kind of a giant kitchen around here.